आउ मात्र 4 दिन परे भुवनेश्वर 17 वर्षरु कम महिला फिफा विश्वकप आरंभ हेबाकु जाउथवा बेले बुधवार 21 जणिया भारतीय दल घोषित होइछि। मुख्य प्रशिक्षक थॉमस डेनबिर्क पसंदर श्रेष्ठ 21 जणक मध्यरे जणे हेले ओडिया खेलाळीकु स्थान मिलि नाही। कलिंग स्टेडियम 17 वर्षरु कम भारतीय फुटबल दल मंगलवार आमेरिका सहित खेली अभियान आरंभ करिवे। संपर्क में अधिक अपडेट दबा पई आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होती आम प्रतिनिधि सुशांत साहू। सुशांत, फिफा विश्वकप को नहीं कौन अपडेट खबर आसुचे? निश्चित भाव देखु 17 वर्षर कम महिला फिफा विश्वकप जोटा कि भारत में खेल जाऊँगी विशेषकर यहाँ तीन टी भेन्यू में खेल गोटे रही भेन्यू भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम अन्य दुईट भेन्यू हूँ गोटे गोवार जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम अन्य गोटे नाभी मुंबईर जो स्टेडियम रही सेठी खेल कहले 11 तारीख अर्थात मंगलवार यह टूर्नामेंट आरंभ हो प्रथम मैच भारत आमेरिका सहित अच्छी यही टूर्नामेंट रे 16टी देश भाग नौ 15टी देश विभिन्न टूर्नामेंट रे सफलता हासिल करके पहुंची बेले क्षमा करेंगे क्वालिफाई कर भारत केवल होस्ट नेशन हिसाब से यही जो टूर्नामेंट खेल क्वालिफाई कर अंपक्ष भारत जदि देखिए दल घोषणा हो सारी कितु कौन ओडिया खेलाड़ी ना तेरे जो भारत जो प्रथम कथा हूँ ग्रुप ए रे रही ग्रुप ए जदि आप देखिए भारत और मर्को जो दुईट देश अच्छी दुईट देश प्रथम थर पर यही मेगा इवेंट खेलु अंपक्ष ब्राजिल और जो आमेरिका रही दुईट शक्तिशाली देश और फिफा रैंकिंग आज जदि देखा दुईट देश फिफा रैंकिंग बहुत भल रही निहाजे कह गले टीम इंडिया जो अभियान आरंभ करुच्छे ग्रुप ए रे तेणु निहाजे कह गले टीम इंडिया को अत्यंत चैलेंजिंग हम ता सहित कह गले जेहेतु ब्राजिल गोटे शक्तिशाली दल रही तेणु से ही दल विपक्ष में भारत कौल किमी रणनीति आपणा देखा कह गले बाकी रहा कितु जिते आम देखीचे जिते भी गोटे क्रीडा इवेंट है किंबा क्रीडा टूर्नामेंट आप देखि भारत दक्षिण आफ्रिका जो बारवाटी में क्रिकेट मैच होता किंबा अन्य जिते आमर ये हॉकी जिते हॉकी विश्वकप कथा कहवा किंबा एफआईएच हॉकी प्रो लीग कथा कहवा जब भी कह गले मैच होंबा बड़ इवेंट होते टिकेट काउंटर में जो भाव खचाखच भिड़ देखा लगी था कितु चलित बर्ष जो 17 वर्षर कम महिला फुटबल विश्वकप हूँ मात्र कह गले जो मैच काउंटर में जोड़ा रही टिकेट काउंटर में से भिड़ देखा मिलूना आलोचना टिकेट काउंटर रे भिड़ नहीं लोकों उपस्थान टिके कम रही। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत आपण तमाम सूचना पाई।